नमस्कार दोस्तों, यदि आप वर्ग समीकरण को बहुत ही सरल तरीके से हल करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम वर्ग समीकरण को हल करते हैं ना, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर वो पता नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, सही तरीके से हल नहीं करेंगे। निश्चित रूप से यदि आप कक्षा दसवीं में पढ़ते हो, नौवीं में पढ़ते हो या फिर कक्षा आठवीं में पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रिक को मैं जो बता रहा हूं ना, उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है कि बहुत बच्चे जो है इस प्रकार के जो समीकरण दिया जाता है, इस प्रकार के जो प्रश्न दिया जाता है, उसमें अक्सर गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि यहां पर मध्य पद को हमें क्या करना होता है, दो पदों में तोड़ना होता है, लेकिन इस मध्य पद को तोड़ते समय वो बच्चा अक्सर गलती करता है। लेकिन इस वीडियो में मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आज के बाद आपसे गलती होगा ही नहीं कि मध्य पद को तोड़ते कैसे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि गणित को हम लोग पढ़ाते नहीं है, याद रखिएगा, गणित पढ़ाने का चीज नहीं है, गणित समझने का चीज है। और यही मैं आपको बताने वाला हूं कि गणित को कैसे समझे। जैसे अगर ये मुझे प्रश्न दिया है और इसको मुझे बनाना है, तो पहले भाई मुझे इसका मानक समीकरण जो होता है ना वो पता होना चाहिए। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स, और यहां पर मैं यहां पर अभी चित्र नहीं लिखता हूं, और इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी यहां पर मैं चिन्ह लिखने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए हम प्लस माने या फिर क्या माने, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मानेंगे माइनस, या तो प्लस या फिर माइनस। कहने का मतलब यह है कि यहां पर हम प्लस या माइनस मान सकते हैं। कहने का मतलब अगर इस वर्ग समीकरण को आप ध्यान से देखें, तो यदि इसी समीकरण में यह कहा जाए कि ए का जो वैल्यू है, अगर क्या मान लिया जाए, एक मान लिया जाए, अगर ए का वैल्यू मैं एक मानता हूं, तो यहां पर मुझे नए रूप में मिल जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस और माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा मानक समीकरण है, ठीक है। अगर एक्स का जो गुणांक है, ए का मान कितना है, एक है, तो इस रूप में हमें प्राप्त होगा। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर मैं प्लस माइनस क्यों लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको मध्य पद को तोड़ते समय बच्चे कहां पे गलती करते हैं कि इसको किस रूप में तोड़े, कि दोनों, ये तो पता है कि वर्ग समीकरण क्या करते हैं, दोनों का गुणनखंड किसके बराबर आना चाहिए, इस सी में जो भी वैल्यू होगा उसके बराबर आना चाहिए उनका गुणा करने पर। लेकिन बीच में जो यहां पर संख्या दिख रहा है, मान ले जाइए बी है, कोई भी संख्या हो भाई, तो ये बी कब आएगा, जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये कैसे जानेंगे। इसीलिए मैंने ना ये जो मानक समीकरण लिखा है उसमें प्लस माइनस यहां पर लिखा है, यहां पर नहीं लिखा है। यहां पर चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है, हमें केवल यहां पर प्लस और माइनस दिया है ना, उससे मतलब रखना है। अब देखिए इस गणित को हम बनाएंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हमें दे दिया गया है एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको मुझे हल करना है। तो ध्यान दीजिए यहां पर जो चिन्ह रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर प्लस का चिन्ह रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्लस रहे या माइनस रहे, उससे मतलब नहीं रखना है। यहां पर अगर प्लस है, जैसे कि यहां पर देखिए प्रश्न में प्लस है, तो हम क्या करेंगे, ये बीच के पदों को, यहां पर जैसे माइनस है उससे मतलब नहीं रखना है। अगर यहां पर प्लस है, अगर प्लस है यहां पर सी के पहले प्लस का निशान है, तो आपको क्या करना है, बीच को ऐसे दो पदों में तोड़ेंगे कि उसको हम गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आना चाहिए, सी आना चाहिए। और उन्हीं दोनों संख्याओं को, क्योंकि हमने दो पदों में तोड़ा है ना, उन दो पदों को यदि हम क्या करें, अगर प्लस है तो जोड़ेंगे, जोड़ने पर बीच के संख्या के बराबर आना चाहिए, ये जोड़ने पर आना चाहिए, जैसे 17 है तो जोड़ने पर आना चाहिए। अगर मान ले जाए यहां पर माइनस होता, उदाहरण के लिए यहां पर माइनस होता, तो दोनों का गुणनखंड तो सी के बराबर ही आना चाहिए, ठीक है, जैसे यहां पर 60 तो 60 आना चाहिए। लेकिन अगर चिन्ह माइनस है तो उन दोनों संख्याओं को घटाने पर, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर माइनस है तो उन दोनों संख्याओं को घटाने पर कितना आना चाहिए, यहां पर जो भी वैल्यू होगा वो आना चाहिए। अब आपको अगर समझ आ गया है तो इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमें ये तो पता चल गया है कि x का स्क्वायर माइनस 17x, अब यहां पर प्लस दिया है और ये हो गया 60 इज इक्वल टू जीरो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर यहां पर प्लस दिया है तो मध्य पद को जब हम तोड़ेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, उनका गुणनखंड 60 के बराबर आना चाहिए, और उन्हीं संख्याओं को हम जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए, क्योंकि यहां पर प्लस है, यहां पर कुछ भी चिन्ह रहे उससे मतलब नहीं रखना है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि सामने में माइनस है तो इसको एक बड़ा सा ब्रेकेट लगा देंगे, ब्रेकेट लगाने के बाद कोई भी गणित जो है गलत नहीं होता है, अगर आपको हल करने का तरीका पता है तो। अब देखिए मान ले जाए मैं इसको हल करना चाहता हूं, तो मुझे तो पता है कि 60 कब कब आएगा,
तो आप गुणा कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक से चालू करते हैं तो एक गुणित आप 60 करेंगे, एक गुणित 60 करेंगे, या फिर दो करते हैं तो दो गुणित क्या करेंगे, दो गुणित आपको करना पड़ेगा, यहां पर मैं थोड़ा से ऐसा कर देता हूं 30, ठीक है। या फिर आप तीन करेंगे तो आप क्या करेंगे, तीन गुणित कितना करेंगे, है ना, तो आपको करना पड़ेगा 20 दिया 60। उसी प्रकार आप यहां पर चार कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 चौक 60, यहां पर हो जाएगा 15 चौक 60, मतलब हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार और कौन कौन सी संख्या है जिसको आप गुणा करते हैं तो 60 आता है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, 4 हो गया, है ना, 5 करेंगे तब भी आ जाएगा 12 पंचे 60, उसके बाद 6 करेंगे तब भी आएगा 6 गुणित 10, 6 दहम 60। उसी प्रकार आप आगे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना में हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि इनमें हमें ऐसी संख्या ढूंढ लेना है कि इनका गुणा तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, क्योंकि इन्हीं का हमने गुणनखंड निकाला है, इसको आगे भी हम कर सकते थे, लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे जोड़ा हमको ढूंढना है जिनका योग कितना आ जाए, 17 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमको 17 लाना है। तो देखो 60 में एक जोड़ेंगे 61 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, नहीं बनेगा। 30 में दो जोड़ेंगे 32 होगा, 20 में दो जोड़ेंगे 23 होगा, 15 में आपको 4 जोड़ना है, 15 चौक 60 तो होता है सही है, लेकिन 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 हो रहा है, जबकि हमें बीच में 17 लाना है, ठीक है। यहां पर देखिए 12 और 5 कितना होता है, 17 होता है। अब आप ये मत सोचना सर यहां पर तो माइनस है, उससे मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, देखिए आप सिंपल से काम करिएगा, यहां पर देखिए एक्स का स्क्वायर है ना, माइनस लिखिए और यहां पर ब्रैकेट लगा दीजिए, बस आपको इतना काम करना है। उसके बाद इस संख्या को क्या करना है, आपको तो 12 में 5 घटाना है ना, ठीक है, 12 में आपको क्या करना है, घटाना नहीं है सॉरी जोड़ना है, 12 और 5 कितना होता है, 17 होता है, आपको तो जोड़ना है, तो 12 और 5 17, आप देखिए 12 और 5 17 हो रहा है, चूंकि बाहर में माइनस यहां पर है तो यहां पर हमने कोष्टक के बाहर माइनस लिख रखा है, इसका मतलब इसका उत्तर जो है बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, बाहर में एक्स है तो एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे बाहर में, और प्लस 12 पंचे 60 तो ऑलरेडी हो ही रहा है, मतलब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब इतने भाग की आवश्यकता नहीं है, ये केवल समझाने के लिए था, इतने भाग को हम क्या कर सकते हैं, अब डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, इसी को हमें क्या करना है, आगे हल करना है। अब देखिए यहां पर देखिए हमें ये तो पता चल गया है कि हमने मध्य पथ को दो भागों में तोड़ लिया। अब देखिए हल करते समय यहां पर 12x लिखेंगे, ये माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा, यहां पर आ जाएगा 5x प्लस यहां पर 60 = 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपको क्या कर देना है, जोड़ा बना लेना है, ठीक है, जोड़ा बना लिए। इन दोनों में कौन सी संख्या है जो कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो दोनों में कौन है, एक्स है, केवल एक्स है ना, एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स दो बार आया है, तो हमने एक्स को कॉमन निकाला तो यहां पर एक्स बचा, माइनस एक्स को कॉमन निकाल दिए तो केवल कितना बच रहा है, 12 बच रहा है, ठीक है। इस वाले में ध्यान दीजिएगा, इस वाले पद में जो शुरुआत में चिन्ह होता है उसको कॉमन निकालना ही होता है, मतलब यहां पर अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहां पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब दोनों में कौन सा संख्या आया हुआ है, कौन सी ऐसी संख्या गुणनखंड के रूप में कहा जाए आया है जिसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो निश्चित रूप से यहां पर 5 कॉमन निकलेगा, तो यहां पर 5 को हम निकाल रहे हैं, एक्चुअल में माइनस 5 को निकाल रहे हैं, तो क्या बच जाएगा, केवल एक्स बचेगा। अब देखिए यहां पर प्लस है और हमने तो माइनस को कॉमन निकाल रखा है ना भाई, तो माइनस को कॉमन निकाले मतलब वो खुद ऋणी हो गया है, इसका मतलब ये ऋणी हो गया, ऋण हो गया। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां पर उल्टा हल करेंगे तो प्लस कब आएगा, ऋण और ऋण का गुना प्लस होता है ना, माइनस माइनस का प्लस होता है, तो माइनस माइनस का प्लस होता है देखिए, और इसको अब आप हल करेंगे ना, इसको हल करेंगे तो माइनस 5x ही आएगा, इनको अगर हम हल कर देते हैं तो यहां पर क्या आना चाहिए, प्लस 60 ही आना चाहिए, तो बिल्कुल आएगा यहां पर क्या करिएगा, 12, ठीक है। अब देखिए इसको पूरा अगर आप हल करेंगे तो ऊपर वाला पद फिर से मिल जाएगा, देखिए 12 पंचे 60 माइनस माइनस का प्लस हो गया, मतलब और जांच करने का एक और तरीका है, कौन सा तरीका है भाई, ये वाला जो पद है ना, ये वाला और ये वाला बिल्कुल बराबर रहता है ना, परफेक्ट रहता है। अब ये भी कहा जाए कि इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, फिर से कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक्स माइनस 12 कॉमन निकाल लिए तो यहां पर हमारे पास बचा एक्स माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अगर आपको इसको वर्ग समीकरण के रूप में दिया है हल करने के लिए तो आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, अगर आपको केवल गुणनखंड के रूप में दिया होता मतलब यहां पर इक्वल टू 0 नहीं होता तो ये आपका गुणनखंड निकल चुका है, लेकिन अगर आपको गुणनखंड के रूप में नहीं कहा गया है, हल करने के लिए कहा गया है, तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स के दो मान निकालते हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूं, देखिए छोटा कर दिया हूं। अब इसका मान निकालना है तो बड़ा आसान है, हम क्या करते हैं, एक्स माइनस 12
इज इक्वल टू जीरो करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, x माइनस फाइव इज इक्वल टू भी क्या करेंगे, जीरो करेंगे। मतलब यहां पर x का मान हम निकाल रहे हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, माइनस ट्वेल्व है तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां पर बारह आएगा। या फिर x का जो दूसरा मान है वो कितना होगा, ये भी माइनस में है, तो इज इक्वल टू पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइव आएगा। अर्थात x के दो मान हमें मिल चुका है, x का मान बारह और x का मान पांच। तो निश्चित रूप से वर्ग समीकरण हल करने का अगर ये वाला तरीका आप जानते हैं ना, तो निश्चित रूप से आपको कभी भी किसी भी क्लास में वर्ग समीकरण को हल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि ये मैं केवल एक ही वीडियो बनाऊं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैं बता सकता हूं यदि आप मुझे कमेंट करते हैं तो। निश्चित रूप से अगर आप कक्षा दसवीं भी पढ़ते हैं ना, तो कक्षा दसवीं में वो वर्ग समीकरण से संबंधित जो भी प्रश्न हो आपको बनाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से मैं सरल तरीके से हल करके आपके सामने रखूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।